तार आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार के पता नहीं कानों में क्या डाला हुआ है जो अभी तक आवाज़ नहीं पहुंची है। जो सेवा लगातार कर रहे थे उसके एवज में उनकी गिरफ्तारी हुई और एम्बुलेंस चोर को बचाने की साजिश हुई। आज बिहार ही नहीं पूरा देश एक मुद्दा बन गया है आदरणीय पप्पू यादव जी को रिहाई को लेकर। और हम लोग ये जल सत्याग्रह है, जरूरत पड़ी तो अग्नि सत्याग्रह भी करेंगे, वायु सत्याग्रह भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो आत्मदाह करना पड़े तो आत्मदाह करेंगे, लेकिन आवाज पहुंचा के रहेंगे। ये गूंगी बहरी सरकार जो है ना, जब तक नहीं सुनेगी ना, जब तक अपनी आवाज को चरणबद्ध तरीकों से आंदोलन से माध्यम से हम लोग पहुँचाते रहेंगे। कर रहे थे लेकिन बिहार सरकार ने हमारी मांगों को नहीं पूरा किया। हम लोग आज ये राज्यव्यापी जल सत्याग्रह किए हैं, पूरे सभी जिलों में युवा परिषद के द्वारा आयोजित है कार्यक्रम पप्पू यादव जी के रिहाई की मांग को लेकर, और आगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। यदि बिहार की जो लंगड़ी लुल्ही सरकार है, बहरी सरकार है, यदि नहीं सुन पा रही है तो हम लोग आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके सुनाने का काम करेंगे। स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संघर्ष बड़ा भीषण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, सब्र का बांध टूट चुका है। क्या देश क्या प्रदेश, हर ओर एक क्रांति मची हुई है। पप्पू यादव जी को रिहाई को लेकर जन आंदोलन छिड़ चुका है, युवाओं ने भरी है हुंकार। सुन लो बहरी सरकार, पप्पू यादव जी का है बिहार में दरकार। इस मांग को लेकर हम लोग और आंदोलन को तेज करेंगे, आगे चाहे जो भी आंदोलन करना पड़े हम लोग करेंगे। उपवास कर चुके, जल सत्याग्रह भी कर लिया, अब क्या बचा है? अब आगे आंदोलन करेंगे, एक से एक आंदोलन करेंगे, जो पड़ेगा तो आत्मदाह भी करेंगे।